मुझे एक शेर याद आता है कि गुजरेगी इस मुकाम से जब आखिरी सदी, पढ़ते मिलेंगे लोग जिसे वो किताब हूँ, तो हमारे बीच में उस किताब के पन्ने खुलने वाले हैं और हम गुरुवचन जी को आमंत्रित करेंगे इस यात्रा को आगे बढ़ने। अशोक जी जो बार बार कह रहे हैं कि भविष्य का मसला है, भविष्य का मसला है, मुझे लगता है कि भविष्य का नहीं, आज का मसला है। बचपन को बनाए रखना आज का मसला है, भविष्य का मसला नहीं है। शिक्षा इसको भविष्य के मसले के तौर पे देखती है जब ये कहती है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं। तो ये पूरा जो द्वंद्व है वो आज का द्वंद्व है, जिसे सुशील ने कुछ रचनाओं के जरिए रेखांकित करने की कोशिश की है। और इस बात से ये बहुत साफ दिखता है कि साहित्य या बाल साहित्य को समझने के लिए बच्चे को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम बच्चे को यदि नहीं समझेंगे तो शायद अच्छे बाल साहित्य की रचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैं उन तीनों रचनाओं के संदर्भ में ये बात रखने की कोशिश कर सकता हूँ कि अगर चाहे वो तो चांद के संदर्भ हों, ईदगाह से जुड़े हुए संदर्भ हों, या अनारको से जुड़े हुए संदर्भ हों। अगर आप पहले ही एक संदर्भ को देखें कि जिसमें तो चांद बार बार डेस्क को बंद करती है और खोलती है और वो उबती नहीं है उस पूरी प्रक्रिया से, और उसकी माँ उसके समर्थन में इसलिए रहती है कि उसको पता है कि स्कूल का वो डेस्क उसके घर के डेस्क से फर्क है। तो ये जो समझ है बच्चे के बारे में, और ये समझना कि लगातार किसी चीज को कई बार बार करने के बाद भी वो बच्ची उसमें खुशी महसूस करती है, तो दरअसल ये क्या घटता है ऐसा कुछ, इसको मारियो मोंटेसरी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से रखने की कोशिश की है, जिसे हम इस संदर्भ के साथ जोड़ के देख सकते हैं। वो अपनी जब वो सिद्धांत गढ़ती हैं शिक्षा के, तो एक बच्ची उनके सामने आती है और एक बंद छाता उनको देती है, और वो बच्ची करना चाहती है कि इसको खोलना चाहती है, क्योंकि वो खोल नहीं पाती है। तो मारिया मोंटेसरी उस छाते को खोलती है और बच्ची को पकड़ाती है, तो बच्ची फिर से मारिया मोंटेसरी को छाता पकड़ा देती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती है। तो प्रथम को समझ में आता है कि नहीं, इसको ही खोलना है, तो पहले खोलती हैं, बंद करती हैं और बच्ची को पकड़ाती हैं। तो बच्ची उसको खोलती है उनको देख के, और फिर मारिया मोंटेसरी को पकड़ाती है, मारिया मोंटेसरी उसको फिर बंद करती हैं, फिर खोलती हैं और फिर बच्ची को पकड़ाती है, बच्ची उसको खोलती है और फिर मारिया मोंटेसरी को पकड़ाती है। और वो ये कहती हैं कि खोलने और बंद करने की प्रक्रिया उस बच्ची के साथ 100 बार चली। शायद ये हम सबके लिए बहुत ही अकल्पनीय होगा कि एक बच्चे एक छाता खोलने की साधारण सी प्रक्रिया को सीखने के लिए, समझने के लिए 100 बार प्रयास कर रही है। लेकिन जब अगर आप किसी बच्चे को गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि 100 बार से ज्यादा बार भी बच्चे किसी प्रक्रिया में जाते हैं सीखने की, क्योंकि उनके लिए उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। तो दरअसल तो चांद वही कर रही होती है और उस सिद्धांत की पुष्टि कर रही होती है अपने सीखने की प्रक्रिया में, कि उसके लिए सीखने की प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है, ना तो समय के तौर पर ना प्रक्रिया के तौर पर। तो यदि ये समझ है तो बाल साहित्य में वो समझ लेखन के तौर पर तो चांद की उस घटनाक्रम में हमें विस्तार से दिखाई देती है। तो जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि रचनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, अगर हमें बचपन को खोलना है और समझना है तो रचनात्मा को समझना पड़ेगा और आनंद को समझना पड़ेगा। ये सही है कि आनंद वो नहीं है जो हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, और जो खुशी वो नहीं है जो चेहरे पे दिखाई देती है। खुशी एक तरह से डूबना है। अगर कोई बच्चा गणित के सवाल इस तरह से कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो वह डूबना ही उसके लिए एक तरह से आनंद और खुशी है। उस तरह की खुशी की बात इस विषय में मुझे दिखाई देती है, लेकिन उस खुशी को पहचाने कैसे। दूसरा संदर्भ जो ईदगाह कहानी को लेके कहा गया, ये बिल्कुल सही है कि ईदगाह कहानी को इस तरह से संपादित करके पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा बनाया गया है कि उसके बहुत ही गहरे संदर्भों की अनदेखी हुई है।
जिसमें कि एक का उदाहरण उन्होंने रखने की कोशिश की। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि शिक्षा में ये होता क्यों? तो जिस तरह की वर्जनाएं जिस हमारे शिक्षा में हमें देखने को मिलती हैं, वो एक तरह से बच्चों को बेगाना सा बना रही होती हैं, जिसकी बात कल भी बहुत ज्यादा अलग अलग सत्रों में होती रही है। एक तरह का बेगानापन या अदरनेस की बात जो हम करते रहे कि कुछ इस तरह की वर्जनाएं हैं जो साहित्य में हो ही ना। मैं आपको इसका बहुत ही ताजा तरीन उदाहरण आपके सामने रखता हूं। अभी 3-4 दिन पहले भोपाल के एक सबसे नामी स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल है, उसके फंक्शन में, जो कि पेरेंट्स के लिए था और बच्चों को अपनी प्रस्तुतियां देना थी साल भर की, उसमें जो एंकर थी उसने गुलजार की सबसे चर्चित बच्चों की कविता जंगल जंगल बात चली है पता चला है, ये उन्होंने सुनाई। और जब उन्होंने ये कहा कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, वो ऐसे बोली, पहली पंक्ति तो उन्होंने सही पूरी बोली, लेकिन बाद की पंक्ति को उन्होंने धुन में बदल दिया। तो ये समझ में नहीं आया कि 1000 माता पिता बैठे हुए हैं, बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, तो इस दूसरी पंक्ति में ऐसी क्या मुश्किल है कि क्या उन्होंने गुनगुनाने के लिए उसको कहा या इसके पीछे कोई कारण? तब मैंने सोचा कि अरे जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाया फूल खिलाया। दरअसल चड्डी को लेके उनका आग्रह शायद इस तरह का रहा हो कि 1000 पिताओं माता पिताओं के बीच में भोपाल के सबसे नामी स्कूल के सामने चड्डी शब्द कैसे कहा जा सकता है। तो अगर इस तरह की वर्जना किसी के मानस में है और वृद्ध समाज में है, तो हम देख सकते हैं कि बाल साहित्य में उसकी स्थिति क्या हो। और ऐसी बहुत सारी वर्जनाओं को लेके हमारा बाल साहित्य एक तरह से उसको बेगाना बनाने की कोशिश की जाती है। मैं इनका एक उदाहरण देता हूँ। जब लोग उत्तरकाशी में थे, उत्तरकाशी में जगमोहन जी ने एक बाल साहित्यकारों की एक बैठक रखी थी और उसमें सब लोगों ने अपनी बात रखी, तो चकमक में समलैंगिकता पर एक रचना थी जिसमें कुछ पंक्तियां समलैंगिकता को रेखांकित कर रही थी। वहां एक नामी साहित्यकार ने ये प्रस्ताव लेके आए कि चकमक को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें समलैंगिकता जैसे विषय के ऊपर बात कही गई। तो हम सोच सकते हैं कि किसी साहित्यकार के नामी होने से वो साहित्यकार की पदवी नहीं पा सकता कि उसमें किस तरह का गंभीर है और क्या वो सही मायने बच्चों का साहित्यकार है। तो हम लोगों ने एक तरह से ये प्रोटेस्ट किया कि अगर आपको इस विषय पर कोई बात करना है तो आप अलग से करिए, लेकिन इस कार्यशाला में इस तरह के किसी प्रस्ताव पे कोई बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक प्रकार की उस संपादक की स्वायत्तता है, उस पत्रकार की स्वायत्तता है कि वो कैसे इस तरह के मसलों को देखता है। तो वर्जनाओं को लेकर जो बहुत बड़ी मुश्किल हमारे साहित्य में है, उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। लेकिन मुख्य सवाल यही है कि हम साहित्य के शैक्षिक संदर्भों को जो समझने का पूरा मसला है, वो बच्चों को समझने के संदर्भ से भी आता है और शिक्षा क्या है इसको समझने के संदर्भ से भी आता है कि हम दरअसल शिक्षा को देखते कैसे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है इस पूरे विमर्श में, अगर मैं इसको ऐसे देखने की कोशिश करूं कि बच्चे की दृष्टि कोण को, उसकी रचनात्मकता को, उसकी रचनाशीलता को, तो इसको एक, और ये सब क्यों होता है, तो हमारे भोपाल के एक बहुत बड़े दार्शनिक चिंतक हैं और वो पहाड़ के ही हैं, रमेश चंद्र शाह का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने अपने एक लेख में इस बात का जिक्र किया है और वो ये कहते हैं कि हमारी आंखों में, जब हमारी आंखों माने व्यस्क की आंखों में व्यस्कता के जाले इस कदर पड़े हुए हैं कि वे बच्चों की रचनात्मकता को, उस रचनाशीलता को, सृजनशीलता को पहचान नहीं पाते। तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि व्यस्कता की आंखों में जो एक तरह का मोतियाबिंद है बच्चे को ना समझने का, उस मोतियाबिंद को दवाई डालकर, और अगर दवाई डाल के ठीक नहीं होता है तो ऑपरेशन करा के निकालने की जरूरत है और उसके बाद लेखन की प्रक्रिया में जाने की जरूरत है। तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने आज भी है कि बच्चों के लिए लिखा जा रहा है, उसमें एक तरफ तो आदर्श की अतिरंजनाएं हैं जिसमें कि बच्चों के बड़े आदर्श के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, या दूसरे छोर पे उसको एकदम अबोध मान लिया जाता है। और अबोध मानने का यही जरिया है कि हर कहानी और रचना के बाद ये बताने का आग्रह होता है कि इस कहानी से क्या
समझ बनती है, क्या उपदेश मिलता है, क्या संदेश मिलता है, इस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या है। तो दूसरा बड़ा सवाल इससे यही बनता है कि क्या इस तरह का साहित्य जो नियोजित हो, जो पर्पसफुल हो और जो किसी मकसद को लेके, ऐसे मकसद को लेके, चाहे वो आदर्श को प्रस्तुत करता हो या बच्चे के कुछ गढ़े जाने बनाए जाने की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हो, क्या सही मायने में बाल साहित्य है, ये भी एक सवाल मुझे लगता है। तो आप किसी से कह नहीं सकते, आप सुशील से ये नहीं कह सकते कि आप एक ऐसी कविता लिखो जिसमें कि पर्यावरण के प्रति बच्चों में स्नेह पैदा होता हो, आप कोई ऐसी कहानी लिखो जिसमें बच्चे पेड़ लगाने के लिए उत्सुक होते हो, शायद वो इसे आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे और शायद अगर वो कविता बनेगी भी, अगर वो कहानी बनेगी भी, तो वो एक विवरण होगा, कहानी और कविता शायद नहीं होगी। तो ये एक समझ की बात है और ये सही है कि एक ढेर सारा साहित्य इस देश में कुछ इसी तरह का है। लेकिन अब बड़ा सवाल जो है वो यही है कि हम मानते हैं कि ज्ञान और आनंद के लिए है, रीडिंग फॉर प्लेजर और रीडिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, लेकिन इंस्ट्रक्शन का मसला आज के समय में एक बहुत बड़ी जरूरत के तौर पे भी उभरा है, मुझे लगता है वो ये है, और बड़ी अनायास नहीं हुआ है। यदि आप देश के शिक्षा के इतिहास को देखें तो पिछले 40 सालों में, आजादी के बाद के 40 सालों में, चार दशकों में साहित्य को लेकर, शिक्षा में साहित्य को लेकर कोई बातचीत नहीं है। और ये बात इस आधार पर कह रहा हूं कि जितने हमारे नीति के दस्तावेज हैं, चाहे वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो या फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट हो, इस तरह की कोई बात नहीं करते। लेकिन नई शिक्षा नीति 1986 के आने के बाद पहली बार बाल साहित्य विमर्श में आया और बाल साहित्य को लेकर पूरे देश में एक खलबलाहट पैदा हुई, क्योंकि उसके अंतर्गत चलने वाला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने पहली बार आदेशों के जरिए स्कूलों में बच्चों की किताबें पहुंचाई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दस्तावेज एकदम से खाली हैं इस बात को लेकर। अगर आप 1975 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क देखें, जो 10 वर्षीय पाठ्यक्रम से नाम से जाना जाता है, उसमें बाल साहित्य का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन बाल साहित्य को रखने के लिए उसे पूरक पठन सामग्री पर के तौर पर देखने का आग्रह, सहायक सामग्री के तौर पर देखने का आग्रह। तो अगर हम बाल साहित्य को पूरक सामग्री के तौर पर ही देखते रहेंगे और उसे शिक्षा में केंद्रीय स्थान नहीं होगा, तो वो वही मुश्किलें होंगी जिस तरह की मुश्किलें पाठ्य पुस्तक के साथ हम देखते आते हैं। हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि बाल साहित्य का पूरा झगड़ा ही, झगड़ा अगर थोड़ा सा क्रूर शब्द है, लेकिन पूरा जो द्वंद है वो पाठ्य पुस्तक के साथ, क्योंकि जिस तरह से पूरे शिक्षा के ढांचे में पाठ्य पुस्तक उसके केंद्र में है, बाल साहित्य को जगह नहीं बन पाती है तमाम कोशों के बावजूद भी, जिस तरह के स्थान या जगह उसके लिए वहां होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि कैसे इससे उभरा जाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा इस बात को अच्छे से रेखांकित करती है, बताती है कि पाठ्यक्रम की संरचना इस तरह से की जाए कि वो पाठ्य पुस्तक केंद्र बनकर ना रह जाए, बल्कि बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए। और पहली बार राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 5 में ये बात कही गई है कि स्कूल में हर स्तर के ऊपर बच्चों के पुस्तकालय होना चाहिए। हर स्तर पर मतलब 5वीं के लिए अलग, 8वीं के लिए अलग, 11वीं के लिए अलग, और उसमें इस तरह की पुस्तकें हों जो बच्चों के उन जीवन में छींचते आधारों को, चाहे वो ध्वनि के अनुभव हों, चाहे वो संगीत के अनुभव हों, चाहे वो रंगों के अनुभव हों, चाहे वो शब्दों के अनुभव हों, उनको जोड़ने का वो काम, क्योंकि शिक्षा का काम ही इन चीजों से बच्चों को तोड़ना है या विलग बनाना है। तो बाल साहित्य ऐसे बहुत सारे वो काम करता है शिक्षा में जो शिक्षा की हैसियत नहीं है करने,